सकल ना सूरत बोलते मैं कुछ तो हमें और सुंदर लड़कियाँ मिल चुकी है, सिर्फ सुंदर लड़कियों का आधे दोस्ती आ रही के चक्कर में आ रहे रियलिटी बता लड़के उधर इसलिए एक्सपीरियंस तो नहीं मिल रहा, वही तो बात है। तो भाई हम कॉलेज आ चुके हैं, क्लासेस हमने सारी दे दी है और सारे फ्रेंड्स जमा कर लिए। वैसे सेक्शन चेंज हो चुके हमारे पर, जिगरी आ रहे हैं, भाईचारा ऑन द टॉप है। फ्रेशर्स पकड़ने हैं हमें और उनसे बात करनी है, उनका थोड़ा एक्सपीरियंस जाना है। एक महीना तो हो गया ना अभी कॉलेज शुरू हुए, बस अब हम तीन हफ्ते हो चुके हैं फ्रेशर्स को। तो अच्छा कल ही हुआ, बाकी नए लोग हैं तो माहौल तगड़ा हो रहा है। हमें फ्रेशर दिखाने थे आपको, ये मैं फर्स्ट ईयर में नहीं लग रहा था फ्रेशर। हेलो, एक दिख चुकी है हमें मैडम, आप फ्रेशर नहीं हो मैं लग रहे हो, चलो आप आज से फ्रेशर हो। तो कॉलेज में ना एक इवेंट हो रहा है यहाँ फोटोग्राफी वाला कुछ, और यहाँ फीडबैक लिखना है बच्चों का। भाई हमारे आशु भाई लिख रहे हैं अभी, पढ़ाओ देख लो। तो लोन लो की आ रही है बैग और उनकी फीस पड़ रही है 2500 रुपये एक सब्जेक्ट की। कितनी बैग है नाम सुना था लड़की अच्छी ये लड़की सकल ना सूरत बोलते मैं कुछ तो हमें और सुंदर लड़कियाँ मिल चुकी है काफी। मैम आपका नाम क्या है? तो ये भी फ्रेशर है और कॉलेज में कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, माहौल कैसा है? बहुत ज़्यादा भीड़ है ना, आप मुझे भी लगता है भीड़ बहुत है। और लड़के वगैरह देख लो, लड़की भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आप सब फ्रेशर हो? कौन सा ईयर लगता है? सिर्फ सुंदर लड़कियों का आधे दोस्ती आ रही के चक्कर में आ रहे, मुझे ऐसा लगता है। बट मुझे ऐसा लगता है पहले के मुकाबले अब ऐसे बच्चे ज्यादा आते हैं जिनको पता ही नहीं कि करना क्या। बट आई डोंट थिंक सो, ज्यादा लोग पढ़ने आ रहे हैं। आपकी क्या अप्रोच थी, मतलब कॉलेज में आए क्या करना? यार अप्रोच कुछ नहीं थी, अप्रोच ये थी कि बस किसी तरह कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ फील्ड में जॉब करनी है, एक्सप्लोर करना है। बाकी जो मुझे करना है लाइफ में वो मैं कर रहा हूँ। कॉलेज से हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि अंदर ऑडिटोरियम में बहुत लोग मिल गए थे, पता ही नहीं चल रहा था कौन फ्रेशर है कौन क्या है। तो हम बाहर जा रहे हैं, फ्रेशर ढूंढते नहीं, मौसम भी अच्छा है, मौसम अच्छा हो चुका है, धूप हट गई ना, तो अब बाहर जाना सही रहेगा। मतलब यही सोचा था कि बहुत बढ़िया होगा, पर जब हम यहाँ आए तो लगा नहीं वैसा कुछ। कैसा लगा? ठीक था, एवरेज लगा था। इंडक्शन अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, खास था नॉर्मल जैसे स्कूल एनुअल फंक्शन था। वो कुछ यूट्यूब वाली फीलिंग पहले मुझे आ रही थी घुसते हुए, लेकिन जब अंदर हुई तो रियलिटी पता लगी क्या। कैफे डेरिया बैठे हैं और हम कुछ खाने, भूख लग रही है, भूख लग रही है यार, अभी दिन में हम आज यहीं पे। अरे भाई, हाँ भाई, तो क्या करा जाए भाई, कुछ छोले भटूरे खाएंगे, छोले भटूरे खाएंगे। अरे आता क्यों नहीं सारे भाई, सभी हमें भूख लग रही थी तो हमने सोचा कि छोले भटूरे मंगवा देते हैं। अरे भैया आपका तो वीडियो चल रहा है। हां भाई, फैशन हो गया। नाम क्या है आपका? मेरा आशीष। आशीष, हम मयंक का एक नाम बोल रहा है यार। भाई ये वीडियो देख के आ गया, कैसा लगा कॉलेज? क्या सोच के आया था अभी यहाँ पे कि लड़कियाँ चाहिए? देखी देखी नहीं। अरे यार हमें भी दिख रही है, हमारा तो एक साल निकल गया, कुछ पता ही चला क्या हो रहा है। अब क्या करें, अब कुछ नहीं हो सकता भाई, अब तो हो गया है। अब तुम्हारे 2.5 लाख रुपये जा चुके होंगे, 2.5 लाख रुपए चले जाएंगे हमारे। अब 10 लाख जाएंगे, 10 लाख जाएंगे, फिर धीरे धीरे अब प्लेसमेंट मिलेगी नहीं। तुम बताओ तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आएंगी? काफ़ी ग्यारह में जो आया करते नाम था, पैकेज था, पैकेज नाम बाकी बातें फैलती हैं, आपने जेल लिया ना सब कुछ आना। मैं अपने भाई को भी रिकमेंड नहीं करूँगी, हालांकि मेरा डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत अच्छा है। आप कौन से कोर्स कर रहे हो? फैशन डिजाइन। लड़के उधर इसलिए आते हैं, बस घूम फिर के चले जाओगी। हम भी उधर से इधर इसीलिए आए, तभी ये सारा सही लग रही हो। सही लग रहा, बढ़िया, थैंक यू। यहाँ लड़की की कमी है थोड़ा? नहीं वो इस वजह से टीम से। अरे भाई टीम से इधर आए लड़के के लिए गली टीम हो क्या?
कौन सा कोर्स कर रहा है? क्लास चल रही है तुम्हारी? अरे यार तुम्हारा तो बुरा हो रहा है। एक भी क्लास है, क्लासेस और नोट्स। और जो एक्टिविटी वगैरह हो रही है कॉलेज का, मतलब क्या लग रहा है कि सही है या पढ़ाई हो रही है? जो ड्रेस कोड है उससे लेके क्या पी हुई है? ड्रेस पहननी पड़ेगी ना तुम्हें कुछ दिनों में। एक महीने अच्छी है ड्रेस तुम्हारी। अब हमने लड़कों से पूछा, लड़के बोल रहे हैं लड़की आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा कोर्स कर रहे हो? सारे एलएलबी वकील साहब। आपने क्या सोचा था कॉलेज में आने से पहले और कैसा लगा ऐसा कुछ? नहीं थी। जैसे हमने लड़कों से पूछा कि आप यहाँ क्यों आ रही हो, तो बोल रहे हम लड़कियाँ देखने आ रहे हैं। लड़कियाँ क्यों आती है? ऐसे जाने जा रहे हैं। और कुछ नहीं, पिछले 3-4 घंटे से खाली घूम रहे क्लास में। भाई कैसा लग रहा है मेरे साथ घूम के? भाई बहुत बढ़िया यार। हमें तो बस खूबसूरत ही दिख रही है। खूबसूरत यार, कॉलेज खूबसूरत है। बारात ही खाना खाते हुए सोच के तो कुछ नहीं आई थी। हम सीनियर ढूंढ रहे कुछ को हैंग करके कुछ कमाल बता दे। अभी तो हम सेकंड ईयर में, थर्ड फोर्थ ईयर वाले लॉन्डे ढूंढते हैं कुछ। फर्स्ट ईयर के हो तुम? अभी फर्स्ट ईयर सेकंड वाइज पर रहने। क्या बताऊँ, दो दिन भाई अभी तो बस मेरा बीएससी मैथ्स ऑनर्स है। क्लासेस हुई नहीं, टीचर आए चले गए। यहाँ जाकर पता चला स्कोप ही नहीं है, यहाँ ज्यादा स्कोप ही नहीं है। खत्म खत्म। अब तो गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरूंगा ग्रेजुएशन के बाद। भाई तेरा नाम क्या है? भाई यार तीसरा साल चल रहा है, यहाँ एक्सपीरियंस ही नहीं है। अब क्या पता नहीं क्या होगा भविष्य का। भविष्य खतरे में। भविष्य इन्होंने पहले फर्स्ट ईयर में दिखाया, फर्स्ट सेमेस्टर में दिखाया, और सेकंड ईयर आते आते बोल दिया कुछ भविष्य नहीं भाई तुम्हारा। खत्म।